नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। लॉकडाउन को लेकर हर ताजा अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज से 3 दिन के लिए लॉकडाउन शासन द्वारा घोषित कर दिया गया है, जिसका आप सभी पालन करें। आगे और भी लॉकडाउन के नियमों में बदलाव हो सकते हैं, जिसके लिए आपको तैयार रहने की जरूरत है। अति आवश्यक कार्य को लेकर ही घर से बाहर निकलें। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रशासन हर प्रकार के सहयोग देने के लिए तैयार है। साधन से लेकर कोई भी समस्या आती है तो आप प्रशासन से संपर्क कर सकते हैं। लॉकडाउन की हर खबर की पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। लॉकडाउन के बाद भी दुकानें खुलने और लोगों को बाहर निकलने की पत्रकारों द्वारा दी गई जानकारी पर जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने पुलिस कर्मियों को निर्देश दिया है कि कोई अनावश्यक घूमते हुए मिले या जिन दुकानों को खोलने का निर्देश दिया गया है, उसके अलावा अन्य दुकान जो व्यापारी खोलता है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए और गाड़ियों को कब्जे में लिया जाए। आज जिलाधिकारी खुद शहर में निकले और जगह जगह लोगों से मिलकर घर से निकलने के बारे में उनसे जानकारी मांगी। जिलाधिकारी द्वारा संतुष्ट होने पर उन्हें छोड़ दिया गया। तो ये अनावश्यक घूम रहे लोगों के ऊपर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है और जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जिलाधिकारी और जनपद और पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पत्रकारों को खबर कवरेज करने की छूट दी गई है। इसी के साथ गाड़ियों को भी धरपकड़ पुलिस ने शुरू कर दी है। जनपद का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी आजमगढ़ खुद सड़क पर निकलकर लोगों से अनावश्यक न घूमने का निर्देश दिया है। और जो जरूरी जनरल स्टोर उनको छोड़कर के कोई दुकान हो तो तुरंत उनके खिलाफ मुकदमा कायम करें, बताइए। सर, पत्रकारों के ऊपर चलाना करते हैं, ये प्रेस और प्रेस और मीडिया उनकी गाड़ियां ना रोकी जाए, ये बता दीजिए सभी को। और आजमगढ़ एमपी सिंह और पुलिस अधीक्षक तोहिनी सिंह एक साथ आप लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि ये जो लॉकडाउन है ये आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके परिवार के स्वास्थ्य के लिए, जनपद के स्वास्थ्य के लिए, समाज के स्वास्थ्य के लिए, देश के स्वास्थ्य के लिए और विश्व के मानवता के स्वास्थ्य के लिए ये कोई फूटा हुआ आदेश नहीं है। ये बार बार माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री बार बार अनुरोध कर रहे हैं, तमाम चिकित्सक विशेषज्ञ अनुरोध कर रहे हैं, उनकी राय के आधार पर आपकी सेहत का ध्यान रखने के लिए लागू किया गया है। इसलिए आपसे आग्रह है कि सिर्फ जरूरी सेवाएं इसलिए खोली गई है कि जीवन के जीने के लिए जो बहुत बुनियादी जरूरतें हैं उसको आप खरीद सके, उससे आपको आपूर्ति मिल सके, लेकिन आप अनावश्यक सड़कों पर ना घूमें। और जो आपके घर के सबसे नजदीक मेडिकल स्टोर है या साग सब्जी की दुकान या किराना स्टोर है, अपना सामान वहीं घर का सिर्फ एक व्यक्ति पैदल जाकर जो बिल्कुल नियरेस्ट है, निकटस्थ है, वहां से ले। गाड़ियों का बिल्कुल प्रयोग ना करें, समूह में ना जाएं, भीड़ ना करें, क्योंकि भीड़ से संक्रमण बढ़ता है और संक्रमण बढ़ने के बाद पूरे हम सभी के स्वास्थ्य को खतरे में डालने का काम आप करेंगे। इसलिए मेरा आग्रह है कि ऐसी स्थिति मत पैदा करें कि आपकी गाड़ियों का चालान हो, आपके खिलाफ 188 आईपीसी में कार्रवाई हो। आप खुद अपनी सेहत का ध्यान रखें। जैसे कल माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आपने स्वयं जनता कर्फ्यू के तहत खुद को अपने घरों में रखा था, उसी तरह से आने वाले दिनों में भी सिर्फ जरूरी चीजों के लिए पैदल हो भी अकेले सामान जरूरी लेकर अपने घरों में अपने परिवार, अपने बुजुर्ग, अपने बच्चों के बीच में समय बिताएं, बच्चों के साथ उनके पसंद के क्रिएटिव टैलेंट के साथ अपने को जोड़ें, परिवार में एक दूसरे के साथ संवाद और बेहतर करें, कुछ दिन अपने परिवार के अंदर गुजारें, सड़कों पर न घूमें, भीड़ में न जाएं, किसी कार्यक्रम में न जाएं, ताकि संक्रमण से खुद को बचाएं, समाज को बचाएं, देश को बचाएं। यही मेरा अनुरोध है और बात न करें कि आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करनी पड़े।